हरे कृष्णा। आज नैऋत्य प्रभाग के बारे में बात करेंगे। अष्टतत्व पद्धति में नैऋत्य में जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी तत्व एक तरह से कृषि क्षेत्र है, जहाँ पर बीजांकन, प्रजनन और परिपोषण जैसी जीवनदायी घटना सहज तरीके से उपजने की संभावना रहती है। इसीलिए भवन शास्त्र में नैऋत्य प्रभाग को असाधारण महत्व है। उसी के साथ इस प्रभाग पर राहु जैसे क्रूर और भयंकर ग्रह के स्पंदन रहते हैं। एक तरीके से यहाँ पर पितृ देवता रहने के कारण ये जो प्रभाग है उसमें अगर दोष रहता है तो जन्मपत्री में पितृदोष दिखने की संभावना रहती है। इसी के साथ देवता वृंद में यहाँ पर इंद्र, इंद्र जय करके प्रमुख अंग देवताएं हैं, तो इंद्र जो है वो भोग और तृष्णा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए गृहस्वामी का शयन कक्ष दक्षिण नैऋत्य प्रभाग में करने के लिए पारंपरिक शास्त्र में बताया गया है। यह जो क्षेत्र है वो अपान से जुड़ा हुआ है और अपान की क्रियाओं में ही स्खलन जुड़ा हुआ है, इसीलिए भी नवदाम्पत्य जो रहता है, न्यूली मैरिड लोग जो रहते हैं, उनका शयन कक्ष खास तौर पर यहाँ पर रखने से बीजांकन की प्रक्रिया सहज तरीके से हो जाती है। इस प्रकार यह नैऋत्य प्रभाग जो है वो पवित्र प्रबल पृथ्वी तत्व का अगर हम करते हैं तो वहाँ पर ये सब संजीवक, जीव संजीवक घटना घटने की संभावना है। इसीलिए रत्नाध्याय में यहाँ पर शुक्र का रत्न हीरा डायमंड प्रतिष्ठित करते हैं। जैसे ही शुक्र जो है वो श्रृंगार शाला से जुड़ने के कारण बीजांकन, प्रजनन, परिपोषण जैसी जीवनदायी घटना के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा मददगार साबित हो जाता है। एक तरीके से देखते हैं तो ईशान्य में शिव है तो नैऋत्य में जीव है, और जीव का रूपांतरण शिव में करने के लिए बीच में ब्रह्मस्थान के 9 प्रभाग रहते हैं। जब तक जीव की पूरी वासनाओं का संतर्पण होता नहीं तब तक जीव का पूर्णतः रूपांतरण शिव में होता नहीं, इसीलिए जीव दशा का पूरा भोग इस दक्षिण नैऋत्य प्रभाग में करने के लिए पारंपरिक शास्त्र में यहीं पर शयन कक्ष को आरूढ़ किया हुआ है। एक पौराणिक सूत्र के अनुसार अगर हम देखते हैं तो नैऋत्याम खड्ग धारिणीम इस प्रकार से सूत्र है, मतलब नैऋत्य में जो खड्ग की धारणा है, विनाश की धारणा है, वो विनाश की धारणा पूर्णतः विसर्जित करने के लिए प्रबल पृथ्वी तत्व नैऋत्य प्रभाग में होना अत्यंत आवश्यक है। जिस भवन में नैऋत्य में निर्बल पृथ्वी तत्व रहता है वहाँ पर जीव दशा में छेद निर्माण होते हैं, और ये जो जीव दशा के छेद है वो आत्महत्या तक भी संप्रेरित होने की संभावना है। जितने भी हमने केस स्टडीज किए हैं
जहाँ पर आत्महत्या घटी हुई है। तो ऐसे भवन के निकष हम देखते हैं तो नैऋत्य में पूर्णतः निर्बल पृथ्वी तत्व है तथा उत्तर और ईशान्य प्रभाग में विशेषतः शौचालय दिखाई दिया है। जब ईशान्य में शौचालय रहता है, नैऋत्य में निर्बल पृथ्वी तत्व रहता है, तो ऐसी स्थिति में ईशान्य से नैऋत्य तक की तरफ चलने वाला जो पृथ्वी और जल तत्व का एक अक्ष है, जिस अक्ष पर क्षण महंति मतलब जीवन से जुड़े हुए अत्यंत महत्वपूर्ण 6 बिंदु वस्तु पुरुष के शरीर पर रहते हैं, जहाँ पर सुषुभना का प्रवाह रहता है, तो जब भी सुषुभना का यह प्रवाह खंडित हो जाता है, तब जाके जीव शिव से मिलता नहीं, जीव का वितरण जो है वो पाताल की तरफ पितृकोण से जाता है, और इसीलिए ऐसा जीव आत्महत्या से प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार से योग शास्त्र वास्तुशास्त्र से जुड़ा है, ये देखना वास्तुशास्त्रज्ञ के लिए अत्यावश्यक है। अभी एक सूत्र देखते हैं, पारंपरिक जो हम भगवद गीता कहते हैं वास्तुशास्त्र की, वो अपराजित पृच्छा है। इसमें से नैऋत्य प्लव या नैऋत्य के स्पंदनों के लिए एक सूत्र दिया है, वो देखते हैं। वो कहते हैं, प्रवर्तयेत् गृहे पुंसान रोगांश्च मृत्युदायकान। जब भी नैऋत्य प्रभाग में निर्बल पृथ्वी तत्व रहेगा, मतलब नैऋत्य प्रभाग से आकाश प्रकाश और ऊर्जा का संचलन रहेगा, मतलब नैऋत्य से सुषुभना का एक्टिवेशन भवन में हो जाएगा, तो ये एक्टिवेशन जो है वो रोग कारक रहेगा। विशेषतः ये जो रोग है वो मन से जुड़ा हुआ रोग रहने की संभावना सर्वाधिक है, क्योंकि वहाँ पर मूलाधार चक्र की धारणा होने के कारण वासना कोश नैऋत्य में है, तो वासना कोश जब बिगड़ जाता है तब जाके रोगांश्च मृत्युदायकान, इस प्रकार से अनुभव आने की संभावना रहती है। इसी के साथ धनहानिम तथा नित्यम कुरुते नैऋति प्लवा, मतलब धनहानि, हर रोज धनहानि का अनुभव आएगा। अभी नैऋत्य में हमने कह दिया कृषि क्षेत्र है, तो अगर धन और धान्य नहीं रहेगा तो कृषि कैसे रहेगी, कृषि नहीं रहेगी तो सफला कैसे भूमि हो जाएगी, और सफला नहीं है मतलब धनहानि। ये जो निदान किया गया है वो नैऋत्य प्लव मतलब नैऋत्य के स्पंदनों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए पूरे वास्तु पुरुष मंडल में नैऋत्य के इंद्र, इंद्रजय और पितृ, ये तीन देवताओं को असाधारण महत्व है, और ये तीनों देवताएं प्रतिष्ठित करने के लिए नैऋत्य प्रभाग में पवित्र और प्रबल पृथ्वी तत्व होना अत्यावश्यक है। जैसे ही नैऋत्य में प्रबल पृथ्वी तत्व आरूढ़ हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सहज तरीके से वास्तु पुरुष मंडल में और भवन में ऊर्जा का मंडलाकार फेर अनुभव हो जाता है। इससे सर्व देवताओं के पदों की पुष्टि और तुष्टि होती है। यह नैऋत्य का असाधारण महत्व है। जय गुरुदेव।